हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं माय चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। काउंसलिंग में हर साल एक नए नए बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। कभी काउंसलिंग रूल बदल जाती है, तो कभी सीट मैट्रिक्स, तो कभी फीस रिवीजन हो जाता है, और उसका सीधा इम्पैक्ट होता है कट ऑफ के ऊपर में। अभी रिसेंटली आपने देखा कि तेलंगाना में एक नया सीट मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखने के लिए मिला, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स डोमिसाइल बच्चों के लिए रखा गया है, जहाँ पे बी कैटेगरी जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ए बी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स में। मैं आपको सीट शेयरिंग भी बता दूं कि अगर 100 सीट्स हैं तो 50 सीट्स गवर्नमेंट एडेड कहलाती है, जो कि ए कैटेगरी, जहां पे डोमिसाइल बच्चों को पहले से ही सीट मिलती थी। बी कैटेगरी में पहले 35% सीट थी, यानी कि 35 सीट्स, और सी कैटेगरी में एनआरआई कैटेगरी को कहा जाता है, वहां पे 15 सीट्स थी। तो अब ये जो 35% सीट्स हैं, इस पे टोटल 1078 सीट थी बी कैटेगरी में, ये अब इसका 85% सीट सब तेलंगाना डोमिसाइल बच्चों को ही मिलेगा। तो इसका स्ट्रेट अवे बेनिफिट तेलंगाना के डोमिसाइल बच्चों को मिल रहा है। कम स्कोर पे भी अब उनको ऑप्शंस मिलेंगे अपने स्टेट में पढ़ने का। वहीं नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए डिफिकल्टी दिख रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स घट गई हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक अजम्पशन बेस्ड लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एनालिसिस का फैक्टर इंक्लूड करने का बहुत बड़ा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एनालाइज करते हैं किसी भी स्टेट की पोजीशंस को, क्रॉस वेरीफाई करते हैं बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल करती है। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अभी ये सिचुएशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, एक्चुअली में नंबर ऑफ एप्लीकेंट और आप देखेंगे नंबर ऑफ नॉन डोमिसाइल एप्लीकेंट और कितने बच्चे तेलंगाना में वाकई में एडमिशन लेते हैं, तो उसका रेशियो बहुत कम है। आप अगर कॉलेजेस की बात करें तो कुछ सेलेक्टिव कॉलेज जो टॉप रेटेड कॉलेज है, 5-6 कॉलेजेस, जैसे मैं आपको नाम भी बता दूं कि अपोलो मेडिकल कॉलेज है, कामिनेनी है, माला रेड्डी है, ममता है, इन सब कॉलेजेस में लोगों का ज़्यादा इंक्लाइनेशन है एडमिशन लेने का। बट आगे और भी कॉलेज हैं जहाँ पर रेशियो काफ़ी कम है। मैंने कई कॉलेजेस में बात करी थी, वहाँ के बच्चों से बात करी, तो पता चला कि नंबर ऑफ जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं वो बहुत कम है। अगर 100 सीट्स हैं तो वहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 4-5 बच्चे ही नॉन डोमिसाइल हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस को अगर मल्टीप्लाई करें अगर इस रेशियो से, तो अभी भी जितनी सीट है उसके हिसाब से उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई है, आपको अभी भी ऑप्शंस मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से एनालिसिस के बेसिस पे आपको पता चलेगा, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आपको, जब आप डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन को समझ करके बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि तेलंगाना में इस नए सीट मैट्रिक्स का क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में, क्या कट ऑफ हो सकती है। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जब बात हम इम्पैक्ट की कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर में, तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि कितने एप्लीकेंट थे 2021 में, और ये कैटेगरी वाइज एप्लीकेंट जानना भी बहुत ज़रूरी, ताकि आपको ये पता चले कि किस हिसाब से कंपटीशन वहाँ पे चल रही थी। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 5,715, ओपन कैटेगरी में 2,468 बच्चे थे, जो कि 43% है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट का। माइनॉरिटी में 698 बच्चे थे, जो कि 12% है टोटल एप्लीकेंट का। बीसीए, बीसीबी, बीसीसी, बीसीडी और ओबीसी कैटेगरी में 1,239 बच्चे थे, जो कि 22% है टोटल एप्लीकेंट का। एससी में 5% के हिसाब से 262, एसटी में 2% के हिसाब से 128, और एनआरआई कैटेगरी में 16% 920 बच्चे थे, जो कि ओपन कैटेगरी में भी साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप देखिए कि ये 2,468 बच्चे ही थे जिसमें कि डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों बच्चे थे, जिसमें अगर ओवरऑल रेशियो भी अगर देखेंगे, परसेंटेज अगर मैं रेशियो में अगर डिवाइड करूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 75% से 80% लोकल बच्चे थे, जो कि तेलंगाना डोमिसाइल वाले, और 20 से 25%, नॉट मोर देन दिस, वो नॉन डोमिसाइल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप देखें इस हिसाब से, तो परसेंटेज जो है पार्टिसिपेशन का वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है नॉन डोमिसाइल का तेलंगाना के अंदर में। बट इसके बाद में अगर प्रेफरेंसेस पे अगर हम आएंगे, तो प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेज की बात करें तो वो और भी ज़्यादा कम होता चला जाता है, टॉप रेटेड कॉलेज को छोड़ करके बाकी के मिड और लोअर सेगमेंट के कॉलेज में कम होता चला जाता है। अब ओल्ड वर्सेस न्यू स्टैट्स भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस आया है वो मैं आपको बताता हूँ। सारी स्टैट्स एज इट इज हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही है, जब तक कि अभी फर्दर कोई
एडिशन नहीं होता है कॉलेजेस का या फिर सीट्स का, तब तक ये मैट्रिक इसी हिसाब से, बट जो चेंजेस यहाँ पे आया है नंबर ऑफ ओपन सीट में, यानी कि पहले 1078 ओपन सीट्स थी, अब 2022 में ये घट करके 162, यानी कि ये 162 सीट्स पे ही नॉन डोमेसाइल बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनको यहाँ पे एडमिशन करने का मौका मिलेगा। अब आप समझिए क्या कि कई ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे इस तरह की रूल्स प्रिवेल करती हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नॉन डोमेसाइल के लिए काफ़ी कम है, फिर भी अगर वहाँ पे देखें तो लोगों को सीट्स मिलती हैं। पैनिक मोमेंट क्रिएट ज़रूर होता है, अगर आप केयरफुली एनालाइज करके अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पे, कुछ बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे एज्यूम बिल्कुल मत करिए कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन मिल सकता है, बट किस स्कोर वालों के लिए अब तेलंगाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो एनीथिंग अबव 450 एक अच्छा स्कोर होगा जहाँ पे ऑप्शंस मिल सकता है तेलंगाना के अंदर में, क्योंकि हाई मेरिट वाले इतने भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते और उनका सिलेक्शन होता है कुछ कॉलेजेस जैसे अपोलो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और कुछ और भी कॉलेजेस जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, अदरवाइज बाकी कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब कट ऑफ की बात करें तो 401 का कट ऑफ था जब सारे सीट्स ओपन थी, अब सीट मैट्रिक्स बदल गया है तो एक्सपेक्टेड है कि ओपन कैटेगरी में 440 से 450 के बीच में कट ऑफ फॉल कर सकता है नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए। अब समझते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट है, और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्या कि पार्टिसिपेंट जो तेलंगाना में ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि साथ ही साथ अदर स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्रॉस एनालाइज किया है दो स्टेट के बीच में, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बीच में, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अलग अलग स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही में तेलंगाना को भी एक ऑप्शन लेकर के चलते हैं। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो मेजर कंपटीशन है वो 400 से 500 के बीच में, अब देखते हैं कैसे। 500 से 600 के स्कोर के रेंज में टोटल एप्लीकेंट थे 332। अब इस स्कोर रेंज में उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई करने वाले 19 बच्चे थे, वहीं 400 से 500 के बीच में टोटल एप्लीकेंट थे 1767, जहां पे यूपी में अप्लाई जो बच्चे कर रहे थे वो थे टोटल नंबर 70। अब टोटल 89 ही बच्चे ऐसे थे जो कि ओपन कैटेगरी में यूपी भी अप्लाई करके रखे थे और तेलंगाना भी। अब कुछ और भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि अपने स्टेट में भी अप्लाई करके रखे होंगे, जैसे महाराष्ट्र में, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कर्नाटका में अप्लाई करके रखे होंगे या आंध्र प्रदेश में। बट जो मेजर कंपटीशन आज की डेट में जो दिख रहा है, जहां पे लोगों को लग रहा है कि एक स्ट्रेसफुल माहौल बन रहा है कि तेलंगाना की वजह से हो सकता है कट ऑफ यूपी की बढ़ जाएगी, तो अब आप देखिए कि ऐसे कितने बच्चे थे जो कि यूपी को भी प्रेफर कर रहे थे और तेलंगाना को, तो वो रेशियो बहुत कम दिख रहा है, मात्र 89 बच्चे, और इसमें भी एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं मात्र 18। तो ये स्टैट से आपको ये क्लैरिटी मिल रही होगी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इतने पार्टिसिपेंट ही नहीं हैं। ये जरूर है कि साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट जरूर होगा जहाँ पे लोग अब और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को प्रेफर करेंगे, जिसके वजह से उस स्टेट की मेरिट में ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट नज़र आएंगे, बट ऑप्शंस अभी भी तेलंगाना में मिलेंगे लोगों को। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो डोमिसाइल बच्चों को 330-340 पे भी ऑप्शंस मिलने की संभावना बन गई है। ओपन सीट्स पे आप एक्सपेक्ट करिए अराउंड 440 से 450 अगर है तो आपको ऑप्शन मिल सकता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि 440-450 पे जो बॉटम रैंक कॉलेज है वो मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा कॉलेज के बीच में कि 440-450 पे आपको क्या किसी और स्टेट में बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। तो अब इम्पैक्ट के बारे में आपने समझा कि किस हिसाब से, तो आसपास के जो भी स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इन स्टेट में कुछ बच्चे डेफिनेटली जाएंगे, अब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वहाँ पे नज़र आएंगे, बट तेलंगाना के बच्चे भी तो अब इन स्टेट को ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने स्टेट में ऑप्शंस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस आउट भी हो जाता है, बट कितना बैलेंस आउट होगा वो तो स्टेट की मेरिट लिस्ट आने के बाद में पता चलेगा। तो आप मेरिट लिस्ट को ज़रूर एनालाइज करिए और उसे दूसरे स्टेट के साथ में कंपेयर करिए, तब जाकर के आप एक बेहतर पोजीशन में आएंगे डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सिचुएशन बदलती जा रही है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छे स्कोर रेंज में रह करके भी ड्रॉप प्लान करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर साल नए नए रूल्स आते जा रहे हैं। अब अभी जिस हिसाब से तेलंगाना में आपने देखा कि नया सीट मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट आ गया, अगर इस हिसाब से बाकी स्टेट में भी अगर इसी तरीके का रूल अगर आ गया
तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में ओपन सीट्स बहुत कम रह जाएगी और डोमेसाइल स्टेट में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो अभी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है, कहीं पे सीट मिलती है, तो उसे ले लीजिए। आने वाले टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती भी नज़र आ रही है और ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है, तो उन स्टेट में तो आप समझिए कि सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसी हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काउंसलिंग को प्लान करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, हम आंसर करेंगे। आगे इस तरह की और भी वीडियोस लेकर के आपके साथ में आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all.